तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों आपसे बात करूंगा इंडिया के टॉप 5 सबसे कॉमन सबसे पॉपुलर स्कूटर्स के बारे में, जो कि आप डे टू डे पर्पस के लिए ले सकते हैं अपने फैमिली के लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर फाइव पे जो गाड़ी है ये है दोस्तों TVS Ntorq। जी हाँ, Ntorq जो दोस्तों ये TVS की तरफ से आती है, बहुत ही पावरफुल स्कूटर है। आपको पता ही होगा Ntorq अच्छी खासी मार्केट एक्वायर की हुई है। इसका जो दोस्तों स्टार्टिंग प्राइस है वो लगभग 90,000 से स्टार्ट हो जाता है। आप अपने सिटी पे आप एक बार चेक कर लीजिएगा ऑन रोड प्राइस क्या है, अलग हो सकता है या फिर इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, आप इसके हिसाब से आप ले सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नंबर फोर की तरफ। नंबर फोर पे जो स्कूटर है वो ये है दोस्तों होंडा की डियो। या डियो जो स्कूटर है ये भी स्टाइलिश दिखती है थोड़ी, और अच्छी खासी कंफर्ट के साथ ये गाड़ी स्कूटर जो आती है होंडा की तरफ से आती है। होंडा आपको पता ही होगा कितनी रिलायबल स्कूटर्स और बाइक्स बनाती है। अभी भी अपना जो मार्केट है वो अच्छी खासी एक्वायर की हुई है होंडा। तो आप इसके लिए भी स्टाइलिश स्कूटर अगर आपको चाहिए, होंडा का ब्रांड चाहिए, तो फिर आप डियो में डेफिनेटली आप जा सकते हैं। इसका जो प्राइस है दोस्तों ये लगभग स्टार्ट हो जाता है 82,000 के आसपास से। आप अपने हिसाब से अपने सिटी के हिसाब से जो भी प्राइस है आप उसको चेक करके आप अपने बजट के हिसाब से आप इसको भी ले सकते हैं अपने डे टू डे पर्पस के लिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नंबर थ्री की तरफ। नंबर थ्री पे जो स्कूटर है दोस्तों ये है TVS की तरफ से आने वाली TVS जुपिटर। जुपिटर जो स्कूटर है आपको पता ही होगा बहुत ही जानी मानी स्कूटर है, आप इसको रोड्स पे आसानी से देखते होंगे। ये स्कूटर भी बहुत अच्छी कंफर्ट के साथ आती है, बहुत अच्छे माइलेज वगैरह के साथ आती है, बहुत ही मतलब इसमें फीचर्स वगैरह ज्यादा हैं भरे हुए हैं। TVS की तरफ से आती है ये स्कूटर। और हाँ, ये जो स्कूटर अभी आप वीडियो में देख रहे हैं ये TVS जुपिटर क्लासिक वाली है। क्लासिक जिसको थोड़ा सा क्लासिक एडिशन जो है इसको मतलब थोड़ा सा रेट्रो स्टाइल में बनाया गया है पुराने स्टाइल के हिसाब से, जाकि जिससे कि ओल्डर जो जनरेशन हैं उनको थोड़ा सा पसंद आए ये स्कूटर। और ये स्कूटर बहुत ज़्यादा कंफर्ट के साथ भी आती है। इसका जो प्राइस है दोस्तों ये लगभग स्टार्ट हो जाता है 84,000 के आसपास से। आप अपने सिटी में थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि कितना प्राइस है वहाँ के हिसाब से, फिर आप अपने बजट के हिसाब से आप स्कूटर को भी ले सकते हैं अपने डे टू डे पर्पस के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नंबर टू पे जो स्कूटर है ये है दोस्तों सुजुकी की तरफ से आने वाली सुजुकी एक्सेस 125। एक्सेस जो स्कूटर है ये भी बहुत जानी मानी स्कूटर है, कॉमन स्कूटर है, आपको रोड्स पे आसानी से दिखती होंगी। और ये स्कूटर भी बहुत अच्छे कंफर्ट के साथ आती है, रिलायबल है, सुजुकी की ब्रांडिंग के साथ आती है, और ये 125cc वाली है, आपको पता ही होगा। हाँ, जुपिटर भी 125cc की है, Ntorq भी आती है 125cc, लेकिन हाँ उनका प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस जो है ये भी अच्छी खासी स्कूटर, अच्छी खासी आपको प्रोडक्टिविटी दे देता है। इसका जो प्राइस स्टार्ट होता है दोस्तों ये लगभग 9,000 से इसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है। आप अपने हिसाब से अपने सिटी के हिसाब से चूज करके आप ले सकते हैं, अपने बजट को आप सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों नंबर वन पे जो स्कूटर है ये है दोस्तों होंडा एक्टिवा। जी हाँ, होंडा एक्टिवा आपको पता ही होगा बहुत ही ज्यादा कॉमन स्कूटर है, आपको कहीं भी दिख जाएगा। आजकल जिस भी घर में स्कूटर लेने के बारे में सोचा जाता है वो एक ना एक बार होंडा एक्टिवा के बारे में जरूर सोचेगा, क्योंकि ये स्कूटर है ही इतनी प्यारी। ये जो है ये अच्छे कंफर्ट के साथ आती है, प्लस अच्छे माइलेज के साथ आती है, और अच्छे प्राइस वैल्यू के साथ भी आती है। और हाँ, ये इसके साथ होंडा का ब्रांडिंग भी है, आपको पता होगा एक्टिवा बहुत ही ज्यादा पुरानी स्कूटर है और अच्छी भी है, इसलिए इसको इतना लोग प्यार करते हैं। इसका जो प्राइस है दोस्तों ये लगभग 85,000 से स्टार्ट हो जाता है। आप अपने सिटी के हिसाब से आप चूज करके इसको ले सकते हैं, बजट को सेट कर सकते हैं।